क्या आपका भी यही हाल होता है जब आप भिड़ जाते हो कैंग ताइशिक के साथ? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ बढ़िया टिप्स जिससे आप आसानी से कैंग को पेल सकते हो। तो स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से हंटर्स हमें लेने चाहिए। आप सीओ को ले सकते हो अगर ड्रॉ में वो मिल जाए तो। वैसे मुझे तो वो फर्स्ट ड्रॉ में ही मिल गई थी, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर वो जिनचुल फ्री में मिल जाता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसका डैमेज भी काफ़ी तगड़ा होता है। फिर एक विंड हंटर ले लेना जिससे डैमेज और बूस्ट हो जाएगा। अब मैं कोई हंटर यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि मैं ऑलरेडी ज़्यादा पॉइंट्स पे हूँ। अब बात करते हैं आर्टिफैक्ट्स की। तो मल्टी स्ट्राइक बहुत काम की चीज़ है जिससे जिनवू एक सीरीज ऑफ पंचेस थ्रो करता है और उससे काफ़ी डैमेज डील कर पाता है। देखो, कमांडर स्टॉर्च का डैमेज मल्टी स्ट्राइक से ज़्यादा है, लेकिन हमें एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए जो जल्दी रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि कैंग की मूवमेंट बहुत फास्ट होने वाली है। और फिर डेथ्स डांस रख सकते हो। वैसे ये एक दो बार फेल हो जाता है, लेकिन डैमेज अच्छा खासा कर देता है। वेपन की बात करें तो नाइट किलर एकदम बेस्ट है। अगर आपके पास दो स्लॉट है तो एक विंड हैमर या फिर कोई भी विंड स्वॉर्ड ले सकते हो, जिससे काफ़ी मदद होगी। चलो भाई, काफ़ी बातें कर ली, अब सीधा चलते हैं गेम प्ले में। अभी कैंग सबसे पहले अटैक करेगा, हमें अटैक नहीं करना। डॉच करो, फिर शैडो स्टेप लो, फिर अटैक। वैसे मेरा मल्टी स्ट्राइक फेल हो गया, लेकिन उनकी बात नहीं। फिर भागो, डॉच करो, टाइम लो, फिर अटैक। देखो, बोला था ना मल्टी स्ट्राइक बहुत डैमेज करता है। हमें बस डॉच करके शैडो स्टेप लेना है और उसके अटैक से बचना है। फिर मल्टी स्ट्राइक एकदम बढ़िया। अब कैंग यूज करने वाला है कैमोफ्लॉज, सबसे ज़्यादा डैमेज यही देता है। इससे बचने के लिए हमें करना है थोड़ा वेट। जब भी एक पर्पल लाइट, हल्की सी पर्पल लाइट हमें आते हुए दिखेगी, तब हमें उसको डॉच करना है। मैं इसको एक बार फेल कर गया था। हमेशा ये परफेक्ट नहीं बैठता, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद हो जाता है। फिर डेथ्स डांस बहुत डैमेज देता है ये भी। उसके मूवमेंट को अवॉइड करो। अभी इसका लास्ट मोमेंट है। और ये भाई गया अभी, है ना आसान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं आगे की वीडियो में।